जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेलवे के कुछ इम्पोर्टेंट साइन के बारे में। देखिए सीफा WWL WYB ये सारे को हम लोग बोलते हैं विस्टल इंडिकेटर बोर्ड। ये क्या काम करता है? ड्राइवर को सीटी बजाने के लिए इंडिकेट करता है। लेकिन जब ये कंडीशन होता है हर साइन के लिए कंडीशन होता है। जैसे कि सीफा के लिए होता है जो कि सीफा के लिए होता है मानव रहित फाटक को क्रॉस कराता है। सीफा जो है मानव रहित फाटक को क्रॉस कराता है जो 250 मीटर पहले सीफा को लगाया जाता है। सीफा या WYL दोनों को 250 मीटर पहले लगाया जाता है, और चूंकि मानव रहित फाटक को सीटी बजाते हुए क्रॉस करे। उसके बाद है, और जो W लिखा हुआ बोर्ड होता है वो ड्राइवर को बोलता है सामान्य रूप से सीटी बजाने के लिए। और WYB ये जो होता है WBW ये क्या करता है कि पुल आने पर सीटी बजाते हुए क्रॉस करने के लिए ड्राइवर को इंडिकेट करता है। तो हर जगह पर हर साइन अलग अलग इंडिकेट देता है। कौशन इंडिकेटर बोर्ड बता दे कि रेलवे ट्रैक पे चल रहे प्रहरी या परमानेंट इंजीनियरिंग कामों के कारण इस विशेष प्रतिबंध सावधानी बरतने का संदेश देता है। इंडिकेटर जिस तरफ कूड़ा हो रहा है ये बताता है कि किस ट्रैक पे वर्किंग हो रहा है। ये बोर्ड आमतौर पर काले और पीले निशान वाले होते हैं। जिस डंडे पर इस तीर को लगाया जाता है वो काले और सफेद रंग के होते हैं। सावधानी संकेतक बोर्ड को गति संकेतक बोर्ड से तकरीबन 700 मीटर पहले लगा दिया जाता है। जिस स्थान पर काम चलता है उसके 800 मीटर पहले बोर्ड को लगा दिया। ये ओनली फॉर ट्रेन के ड्राइवर के लिए होता है। वो समझ जाता है कि आगे गति संकेतक बोर्ड लगा हुआ है, ड्राइवर उस ट्रेन को धीमा कर देता है। स्पीड लिमिट साइन बोर्ड ये स्पेशल ट्रेनों के लिए होता है। ये जैसे जनशताब्दी राजधानी के लिए जैसे कि ट्रेनों के लिए होता है। ये इससे इंडिकेट स्पीड को इंडिकेट करता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ट्रेन के लास्ट डिब्बे में X क्यों लिखा हुआ रहता है, तो और उसके साथ साथ में इसके बॉल रेड कलर का बॉल जलते हुए रहता है, ये क्यों लिखा हुआ रहता है। ये इसलिए रहता है कि रेलवे के हर कर्मचारी जो उस पे नजर रखता है वो दूर से ही देख ले कि रेल के ट्रेन के डब्बे सारे डब्बे उसमें जुटे हुए हैं, बीच में कहीं छूटा नहीं है। और ये जो रेड कलर का बल्ब रहता है ये इसलिए रहता है कि रात में भी दिख सके कि ये सारे डब्बा जुट के जा रहे हैं।